उद्धार नहीं होता किसी का भी। आप देख लो, इसलिए बोला था ना कि घाटा बाटा सब ही दुखिया, देख दुख तो सबको है। कबीर साहब की वाणी में रहे टेरा जारंग फकीर, इस तरह की बात है। तो भाई जो पूर्ण चीज़ होगी ना उसी को पूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि आज इस पूर्णवासी का महत्व मान्या शाम जी भी कहे थे, बोले आज कीर्तन फलानी जगह पूर्णवासी का, दिखड़ी जगह वो सर, मुकड़ी जगह वो सर, क्यों मान रहे सर। तो संत मत में अपने लिए तो भाई के पूर्ण चीज सत्संग है। क्या चलो कि बैठ जाओ, कोई बात नहीं, गामड़ा 5-10 मिनट गामड़ा भी उठ लो, सर्दी भी उठ लो, क्योंकि अपना टेम से यो थोड़ी सी बार का टेम मिले है। इस टेम में हम इतर बितर क्यों, एक आवासी का भाई, इसने इसका काम सारी उम्र का ही हो, इसने तो बोलना कतर पतर करना है, ध्यान इसका सह नहीं न बोल रहे है। चंद्र जी, चंद्र कौन बोलता है, एक औरत है, क्योंकि हम सब का निकान हमारे कई कान हूँ सौरभ हंड हम नहीं हैं। ध्यान किसका के ध्यान सत्संग में होना चाहिए, आप आए सो ना तो ध्यान सत्संग में, क्योंकि जो भी आपको अच्छा लगे सुने, नहीं अच्छा लगे तो अपना भाई टेम भी खराब ना करे, क्यों बड़ा कीमती टेम मिला है, कीमती समय मिला है, अपना टेम काट की न यहाँ आए सो सत्संग में तो कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। इस सत्संग के अलावा जो और कोई वस्तु देखोगे ना तो सबका सब हमारा उस समय लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जीवन देख लीजिए मांस का दामा मिला है, बड़े परिश्रम से, बड़े मेहनत कहो चाहे बड़े ऊंचे धाम से कहो चाहे बड़े उपकार से कहो, ये बहुत मिन्त मिलता है। और इस जामों को हम पलित करके चले जावांगे, क्यों नानक साहब कहते हैं ना, बाबर साहब की बात आती है कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए प्रभात, नाम खुआरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसके नाम की खुआरी चढ़ जाती है ना उसका प्रेमी उसके लिए क्या कि वो कुछ भी नहीं भावगा, ये सत्संग भाव। सत्संग एक बेहतरीन नदी है, सत्संग एक ऊंचा घाट ऊंचा धाम ऊंचा हमारा ये स्टेज है। क्यों इसी विषय का ये विषम साहब की वाणी थी कि सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पहली भाई ये सुंदर गाथ है, दृष्टांत सा एक के मिला था उसमें, क्योंकि हरि रूठे तो रूठन दे तू भी दे सटका, संता सतगुरु से न जा पड़े आप करने से, क्यों कि न्याय में बैठे सो और उसी न्याय से हम खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि अक्सर मिला था कि उसी न्याय में बैठगी कि कैसे कि तेरे होते हुए सतगुरु तेरे होते हुए अरे हम या हमारी न्याय डूब रही से, ऐसा था ना दृष्टान एक। तो इसलिए प्रेमी उसी न्याय में आप बैठे जा रहे सो और उसी न्याय में बैठे बैठे उसमें खोसरा करांगे ना और फिर नीचे का पानी भर जाएगा, किसकी कमी होगी। सतगुरु ने दिए नहीं कहा कि भाई तुम इस न्याय में बैठे सो और इस न्याय में आप कुछ छिद्र करोगे, नहीं, उन्होंने कहा था कि इतना मांस का चोला मिला है, ये दर्शन करने के लिए सतगुरु मिला है, तन उपकार करने के लिए ये टेम मिला है कि भाई तन ये अपना जीवन का कल्याण करने के लिए वो नाम मिला है। अगर जो उस नाम को आप भूल गए, हम तो सारी चीज़ भूल गए, हम सारी चीज़ भूलिए, क्यों आप 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 कितने भी आप पूंजी लेके जाओ आपको नाम मिल जाएगा के, आपको भाई शांति मिल जाएगी के, आपको कोई वस्तु ऐसी मिल जाएगी कि सदा के लिए अजर अमर अविनाशी मिल जाएगी, नहीं कि और चीज़ सारी मिल जाएंगी, आप कर भी लोगे कि कितनी बार का है ये शब्द बोला था एक किसी का जुगलाल का था कि भाई देख ले तेरा संसार में कौन सा, कोई हमारा बनता नहीं संसार में, संसार में बनेगा हमारा कि हमारे मतलब की खातिर बनेगा, हमारे मतलब की खातिर बनेगा ना तो प्रेमी वो मतलब हमारा पूरा हो जाएगा, फिर वो साथ ही साथ छोड़ जाते क्या, चाहे सतगुरु की कितना बड़ा ऊंच कोटि का सतगुरु से उसको भी अपना लाभ मिल गया ना, हमारा हमें तो इसे काम लिए आए थे भाई, हमारा यूँ काम हो गया कि कोई क्या है खतर, कोई क्या है खतर, कोई क्या खतर, क्यों किसी को ताने तो दिए नहीं जाते। आप अपने चश्म खोल कि ना अपने ये श्रवण खोल कि ना अपनी वृत्ति को टिका के ऊपरी मंडलों में फिर आप ध्यान करोगे अपने जीवन का, तो यह विकट रास्ता है, इस जीवन का विकट रास्ता है। विकट रास्ता किस तरह है कि बड़ी बड़ी अड़झड़े आती हैं, बड़ी बड़ी मान गमान हमारा अंदर भरे हुए हैं, उनको काटना ही बड़ा कठिन है। मैं मेरी का सौदा तो हम चाल दे कर लें और जो उत्तम वस्तु मिलती है उसका सौदा करना बड़ा कठिन है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जहाँ हो संतों का सत्संग वहाँ जाइए, जहाँ मिलता आत्मज्ञान राम गुण गाइए।
कि जहाँ संतों का सत्संग कहीं भी होता ना तो अपनी दिल लगा के ना उस सत्संग में बैठना चाहिए। दिल लगा के जितनी भी चाहे एक मिनट भी बैठो, क्यों अपने भजन करने की कहीं से भाई ढाई घंटे भजन करियो नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं होगा, क्यों हम भी साधक थे, क्योंकि पहले सतगुरु चेला शिष्य बनता, शिष्य बनेगा ना फिर वो गुरु बनेगा, फिर वो नाम की बख्शिश करेगा। इसीलिए प्रेमियों कि हम भी न्यू थे, न्यू करा कर दे के कौन नहीं बनता, इतना बार न्यू कौन नहीं बनता। ये हम थमने दोष भी देते हैं कई कई बार कि हमें न्यू करा करो तो किसी ने किमी काम, किसी ने किमी काम, फिर आखिरकार क्या रहा भाई ढाई मिनट तो बैठे जाया करो, ढाई मिनट तो किमी रपी का दसवा सा किमी मामूली सा होता है, वो भी हमारे से नहीं बनता तो फिर क्या। इसलिए कहते हैं कि रे मन भला ना कर सका बुरे पंथ मत जा, और अमृत प्रचार करने तो विस्पर का खा कि हमारे तो वो नहीं होता, हमारे बिनती तो नहीं कर लियो। क्यों कि स्वामी जी ने कितनी सुंदर मिसाल दी कि कहीं से करूँ बिनती दो कर जोरी, अरे सुनियो हो राधा स्वामी मोरी। क्यों कि देखो कि हमारी बिनती सुन लियो कि हमारे साथ बिनती बिनती होगी, हम बिनती भी मिला इस काल कर ली थी वह काल आज काम दे देगी नहीं काम देगी। इसलिए संत महात्मा के नित्य सत्संग में जाना रे साधो भाई, के नित्य सत्संग में जाना कर्म भ्रम की मिटा कल्पना और पाव पद निर्वाणा, क्योंकि नित्य सत्संग में जाने, नित्य सत्संग में जाने की बातचीत महापुरुषों ने बाकी से, फिर भी हम प्रेमियों उसमें भी हमारे से हो जाए कोई बात को नहीं, फिर भी माफ़ कौन करता है, वो सतगुरु माफ़ कर दे, वो सतगुरु माफ़ करते हैं। क्यों इसलिए संत महात्मा बार बार इस धरा पाकि ने जीवों को शांति देने के लिए, जीवों को माफ़ करने के लिए, जीवों को त्यारने के लिए ऐसी ऐसी बात बता कि न, ऐसे ऐसे ख्याल आपके चढ़ा कि न, ऐसी ऐसी विधि तरीके समझा कि न, फिर भी कहते फिर भी ये जीव नहीं मानता। क्यों कि हम इसलिए कहते दौड़त दौड़त दौड़िया जाता मन की दौड़, और दौड़ थकी मन थिरवा वस्तु ठोड़ की ठोड़, कि आपके विचार आप ठीक रखोगे ना तो मन जाके हंड की न आप आ जाता है, कहीं भी नहीं जागा, क्योंकि शरीर तो बार तो नहीं जागा। इसलिए कहते ना कि मन जा तो जाने दे आ दृढ़ राख शरीर, शरीर ने दृढ़ करके न दृढ़ करके राख शरीर, बिन चल चढ़ाए कबाण को कैसे लागे चीज। क्यों कि मैन में तलवार है तो तलवार मैन में नहीं लिख तो वह मार नहीं करेगी। इसीलिए कहते हैं जात ने पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का प्रेरण दो मैन, मैन तो क्या मन के लेना है कि तलवार तो। इसीलिए कहते हैं ना कि लो अभी स्वर्ण हो जा पार्श अंग मिलाते, और संतों के सत्संग में भी संगी सुख पाते, क्योंकि जिस लोग जर्स है ना तो उसका भी सोना नहीं बनेगा, वो जर तार दे हमारे दिला के ऊपर अमित पड़ी हुई से, दिला के ऊपर हमारा भ्रम से, दिला के ऊपर हमारा दुई का पर्दा चढ़ जाए ना, उस पर्दों को हटाना संत महात्मा ने बताया है, वो पर्दा हमारा हट जाएगा, आपका पर्दा हो जा दूर हो जाएगा भ्रम का, तो प्रेमी वो परमात्मा तुम्हारा अंदर है, परमात्मा तुम्हारा धोरह है, वो सतगुरु भी तुम्हारा धोरह है। क्यों ये इसलिए कहते हैं ना सतगुरु तो समंदरा सत चला तो समंदरा तीर, सतगुरु बनारस बस इस तरह आ कभी न बिछड़ा जानिए जो गुण हो श्री, क्यों हमारे अंदर गुण है ना, तो इसलिए प्रेमियों वो सतगुरु तुम्हारे दौरा दौरा सर। इसलिए संत महात्मा बार बार इस धरा पा के भागते रे, मानस तेरा गुण बढ़ा, मानस तेरा गुण बढ़ा, देही का कुछ मोल न, क्यों हड्डी की न कोई टूम ठेकरी बनती, न कुछ और बनता, चमड़ा का न इसका ढोल बनता, न कोई बाजा बाजा, क्यों कि इसके अंदर लघु मास है, इसका ही प्रेमी को पदार्थ नहीं बनता, ये तो जलाया जाएगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गुण है, इंसान के अंदर गुण से कि सब यूनियों से उत्तम, क्यों कह दिया कि श्रेष्ठ यूनि पांचों तत्व इसके अंदर मुकम्मल से, सब कुछ जानता है ये, सब कुछ कर सकता है ये, सब कुछ देख सकता है, और फिर भी हम भूल रहे हैं कि फिर क्या करेंगे कि ये हमारे से भूल होगी, किसी ने कर दी, बच्चा भूल कर दे उसकी क्षमा हो जाए, बच्चा की भूत क्षमा हो जाएगी फिर। इसलिए कहते जानबूझ साथी चज और करे झूठतन ने वहाँ की संगत राम जी सुपने में दी। क्यों कि जब जानबूझ की प्रेमियों गलती हम करते हैं कि परमात्मा थारा धोरो होगा तो भी उसको क्या कहोगे कि मेरा ना भाई क्या है कुछ की। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ना कि गुरु को मानस जान दे से अंदर का ये अंध, और दुखी हों संसार में आ गए हम का फंद, क्योंकि उन्होंने अपनी करनी कर रखी दरखत न किमी कही जाओ क्या इसका कुछ योग्य सुनेगा और या कुछ करेगा, क्योंकि इसने इसका फल से इसकी छाए में बैठे पक्षियों को यो श्रद्धा दे रहा है, पक्षियों को यो सबको शांति दे रहा है, फिर भी हम इसको लाण देंगे ये नहीं होगा। इसीलिए कहते तरवर सर्वर संजन तो सर्वर समी, और परमार्थ का कारण ये चारों धारण दे, क्योंकि परमार्थ के कारण प्रेमियों ये वस्तु मिलती है। आप परमार्थी सो, आप भाई उपकारी सो, आप सबके जानकार सो, तो आप देख लो उपकार कर लो, थोड़ा सा उपकार में भी आपका भला हो जाएगा, नहीं तो चाहे भाई प्रेमियों। संत महात्मा कहते हैं बार बार कि भाई कि एक बार भी
थोड़ा हा भी आप गलती करके न उस परमात्मा से वंचित हो जाते हो, सतगुरु से वंचित हो जाते हो, सतगुरु के रास्ते से भटक जाते हो, क्योंकि रास्ता तो भटकता भी ये हो। और देख लो 84 लाख यूनि क्या कि इंसान सही हो सब चीज़ों तो भटक जाएगा, भ्रम पड़ जाएगा, कोई पक्षी कोई पशु कोई दरख्त कोई किसी का आधार लेके किसी का ध्यान करके देखो जो कोई भी अपने कर्म तो भटकता हो। आइयो यो मेरा कितने कोते खाड़े कर कर किन और फिर भी कि मार 84 की पड़ रही है, काल की मार पड़ रही है, क्योंकि काल के किसी ने देखा हमें कहते हैं आप सब कह कि काल से काल न खा लिया, क्योंकि भ्रम से काल से दुई से यो काल से भाई ममता है या काल से क्रोध से यो काल से लोभ से यो काल से काल का रूप यो और क्या है। उसका घर देखे दे जब घर हो तो आप चले जाओ भाई ये बचा इसने इस तनियों को नहीं बचने का। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई लेने को हरि नाम है, देने को अनदान और तिरने को दीनता, डूबण को अभिमान। अभिमान में आ कि प्रेम में अपना जीवन खराब कर लिया। बहुत समझाते हैं, बहुत गाते हैं, बहुत करते हैं, बहुत कहते हैं, बट हमारे इस इंसान का पापी जीव के कान पर जूम भी नहीं चलती। क्यों कि इस पेट की खातर करता है, कोई अपने मान गुमान की खातर करता है, कोई अपने और क्या की खातर करता है, मैंने गलती करके न अपने जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए प्रेमियों कि मैं तो ये कहता हूँ भाई किसी का भी जिसने शरणा लिया किसी का तो नाम एक ही है संसार में, नाम एक है संत महात्मा सभी एक ही जगह था कि न। और यहाँ कहा था कि भाई इस नाम का सुमरण करो, नाम का व्यवहार करो, नाम से आप जुड़े रहो, नाम का सच्चा व्यापार करो, क्योंकि सच्चा व्यापार नहीं होगा तो। इसलिए प्रेमी कहते ने रे तू सच्चा बाणिया और सच्ची हाथ लगा और झाड़ू लेके हाथ में कूड़ा भूज के बाहर भगा। क्यों कि हम सच्चे बोलिया करो सतगुरु मेरा बाणिया वो हमारा दीन बना दे है, हमारा दुनी बना दे है, हमारा सब कुछ बना दे है। और फिर हम उनसे दूर हो गए तो हमारा दीन गया दुनी गई सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते भाई कि थोड़ा सा मैं घना समझ ले ना तो फिर प्रेमियों हम खिलखिला उठते हैं। क्यों जिसके भक्ति को हो भाई परमार्थ को हो सेवा को हो भाव को, भाव भक्ति का नाम है, भाव भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपकी जिनस कितनी है आप देख कल्पना करें कि भाई इतनी जिनस है कि भाव को नहीं करना थोड़े पीछे उठेंगे और थोड़ी जिनस भाव अच्छा है ना तो फिर भी आपका पेटा भर जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमारा वो भाई चाहोगे मैं तुम्हारा पास में हूँ। इसीलिए कहते तू डंग में रखा एक मैं डंग भरूंगा आठ और तू करडा होगा तो मैं करूँ करडा काठ। आपके सपनों में दर्शन हो गया बड़े राजी हो गए कि हमारे महात्माओं के सत्संग सुने हमें दर्शन हुए ये मिला फिर भी ख्याल क्योंकि हमारे न भाड़ा लगे उस सपने में और न भाई खर्चा होता ना हमारा प्रसाद बनानी ना हम कितने जड़ा पाड़ा लागे छोड़ में सुते सुते का दर्शन हो जा कितना शांति हो हुँ? तो हम इस बात को भी नहीं मान रहे। इसलिए प्रेमी सत्संगी हम तो ये कहा भाई कि आपकी ये भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं। इस टेम में संत महात्मा ने थोड़ा इशारा दे दिया क्यों कि नहीं तो को 2.5 घंटे को 5 घंटे कोई कहीं दूर दूर जाना ना कहीं और नहीं जाओगे बारण निकलोगे विद्यापान को कह तो महात्मा मिलेगा कह कोई सत्संगी मिलेगा और कुछ संगी मिल जाए उसने भी अपना ऐसे वर्त लियो कि भाई अपने विचार क्यों खराब करो इससे बच जाइए। इसलिए कहते हैं कि भाई बेदी ने बकवादी मिल जाए वहाँ से चुप लगा ले मन मेरा हर बजाने में पाले। तो भाई जो बेदी ने बकवादी मिल जाए ना उस तो चुप लगा ले और बेदी ने बेदी मिल जाए तो अपना दिल खोल क्यों क्योंकि तीन सही तो होते हैं रजोगुणी सतोगुणी और तमोगुणी तीन प्रकार के इंसान आपको सभी मिलते हैं। रजोगुणी मिल जा उसका वाणी तो सम्मान कर दे क्योंकि वो वाणी तो प्रश्न होगी ना और अपना चला जाएगा क्योंकि फिर आपका रास्ता में न बाधा करेगा वो और बात नहीं चलाओगा। तो फिर कहते हैं कि तमोगुणी मिल जाना तो भाई चाहे उससे लुक भी जाओ लुक भी अपना पासा पकड़ ले और अपना गुजर जा और सतोगुणी मिल जा अपना दिल खोल के उस परमात्मा की सतगुरु की बात करोगे तो प्रेमी आपका ध्यान ही बन जाएगा और अपना जीवन